बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, आने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सांसदों को देंगे निर्देश। बीजेपी के स्थापना दिवस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम। बाबरी मामले में लालकृष्ण आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्लीन चिट देने के फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करने पर होगी सुनवाई। योगी आदित्यनाथ आज 6 विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक, ऊर्जा, खादी, ग्रामोद्योग समेत सभी विभागों के अधिकारी सीएम के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। जनादेश 6 महीने के भीतर विभाग के साथ साथ मंत्रियों की कार्यक्षमता की भी होगी समीक्षा, पास नहीं तो दूसरों को मिलेगा मौका। नवरात्र पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरकारी आवास पर किया कन्या पूजन, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट से कटघरे में केजरीवाल सरकार, 100 पन्नों की रिपोर्ट में सरकार के कई फैसलों पर उठे सवाल। 404 फाइलों की जांच के बाद घेरे में केजरीवाल सरकार, स्वास्थ्य मंत्री सतीश जैन की बेटी को मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार नियुक्त करने पर उठे सवाल। केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी बनाने पर भी उठे सवाल, स्वाति मालीवाल को घर देने पर भी एतराज। शुंगलू कमेटी ने 206 राउज एवेन्यू को आप दफ्तर बनाने के फैसले पर भी जताई आपत्ति, पूछा विधायक अखिलेश त्रिपाठी को टाइप 5 क्वार्टर कैसे। रिपोर्ट में बिना मंजूरी मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी उठे सवाल, आज तक के पास रिपोर्ट की कॉपी। राम मंदिर पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का चौंकाने वाला बयान, कहा विवादित स्थल पर नहीं थी कोई मस्जिद, जो ढांचा गिराया गया वो मंदिर ही था। ये मस्जिद थी ही नहीं, इन्होंने जो गिराया है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, वो मस्जिद कहाँ गिराई, ये मंदिर गिराया है। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का बयान, अगर उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। सांसद रविंद्र गायकवाड़ के मुद्दे पर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देगी शिवसेना, बुधवार को सांसदों ने बैठक कर लिया फैसला। पंजाब पुलिस को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया अलर्ट, रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा की जताई आशंका। गाजा पर बैन की भी मांग की, इराक और शियाओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का हवाला देते हुए गोहत्या पर बैन का किया समर्थन। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन के लिए बीफ के खिलाफ बयान देना पड़ा महंगा, भाई ने पद से हटाने का किया ऐलान। जुनैल आबिदीन ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए की थी मोदी सरकार से अपील, जैनुल आबिदीन के भाई ने खुद को घोषित किया दीवान। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में उठी विरोध की आवाज, दिल्ली प्रदेश पर्वतीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया अनदेखी का आरोप। दिल्ली के वार्ड नंबर 81 किशनगंज से बीजेपी प्रत्याशी मोनिका छाबड़ा का नामांकन रद्द, हलफनामा ना देने की वजह से रद्द हुआ नामांकन। बीजेपी के दो और प्रत्याशियों रवि नेगी और सरोज सिंह का नामांकन भी रद्द, नॉमिनेशन पेपर सही ढंग से ना भरने के चलते रद्द हुआ नामांकन। रोहिणी के वार्ड 59 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनाया प्रचार का अनोखा तरीका, समर्थकों के साथ पार्क में स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक के साथ की चटाई पर चर्चा। रजौरी गार्डन इलाके में फ्लैश मॉब के जरिए कांग्रेस ने किया प्रचार, कांग्रेस के लिए बने गाने पर झूमे युवा। यूपी में तेज हुई शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध किया, फरुखाबाद में महिलाओं ने शराब की दुकानों को बनाया निशाना। लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में भी महिलाओं ने शराब की दुकान पर बोला धावा, जमकर की तोड़फोड़। यूपी के बाद राजस्थान तक पहुंची शराब दुकानों के विरोध की आग, बाड़मेर में शराब की दुकान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, रास्ता किया जाम। मध्य प्रदेश के रायसेन में शराब की दुकान को लेकर बवाल, दुकान मालिकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, 9 लोग घायल, 5 गाड़ियों में लगाई आग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शराब कारोबारियों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने निकाला रास्ता, 7 हाईवे को किया डी नोटिफाई। गाजियाबाद में भी शराब की दुकान पर महिलाओं ने किया हंगामा, दुकान में जमकर की तोड़फोड़। यूपी के अमरोहा में भी महिलाओं ने शराब की दुकान को बनाया निशाना, शराब की पेटियों को दुकान से निकालकर लगाई आग। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने सड़क की जाम, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। यूपी के जौनपुर में शराब की दुकान के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, दुकान में तोड़फोड़ कर बोतलों में लगाई आग। यूपी के शामली में भी शराब की दुकान में स्थानीय लोगों ने की तोड़फोड़, लाखों रुपए की शराब की नष्ट। दिल्ली के कमलानगर में सीसीटीवी में कैद हुई कपड़ा शोरूम में चोरी की वारदात, दो महिलाएं खरीदारी के बहाने कीमती कपड़े लेकर हुई फरार। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में मनचले की जमकर पिटाई, 6 महीने से नाबालिग लड़की को कर रहा था परेशान। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में बेकाबू मर्सिडीज ने बनाई सवार को मारी टक्कर, ड्राइवर मनीष जैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में लड़की पर एसिड हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्यार में नाकाम होने पर लड़की पर फेंका था तेजाब।
300 से ज्यादा मामलों में फंसे लखानी बरदान ग्रुप के मालिक पीडी लखानी ने फरीदाबाद की जिला यूपी के गाजीपुर में अवैध संबंधों के चलते युवक ने प्रेमिका के ससुर को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के इटावा में हादसे का शिकार हुई क्राइम ब्रांच की टीम, दबिश के लिए जाते वक्त गहरी खाई में गिरी गाड़ी, प्रभारी समेत 6 लोग घायल। यूपी के आगरा में लिंग परीक्षण के आरोप में महिला डॉक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने जांच के उपकरण किए जब्त। यूपी के अमरोहा में एक ही परिवार के 5 लोग गंगा नदी में डूबे, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 2 बच्चे लापता। सीएम योगी का कार्टून शेयर करने के मामले में गाजियाबाद के लूनी इलाके के सभासद राजकुमार चौहान गिरफ्तार, हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया था केस। बिहार के समस्तीपुर में मानवता हुई शर्मसार, एक तरफ सड़क पर पड़ा था शव, दूसरी तरफ तेल लूट रहे थे लोग। दलसिंह सराय में एनएच पर 3 वाहनों में आपस में हुई थी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौके पर हुई थी मौत, एक घायल इलाज के लिए तड़प रहा था। महाराष्ट्र के बुलढाणा में लव मैरिज से नाराज पिता ने की बेटी की हत्या, ससुर के सामने ही उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, बम स्क्वाड की टीम ने किया जब्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मोटे मुनाफे का देते थे लालच। मध्य प्रदेश के सीहोर में जाति के नाम पर युवक से भेदभाव, हिंगलाज मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से रोका, पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब के पठानकोट में नैरोगेज ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात लड़की की मौत, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में पुलिस वालों ने पेश की इंसानियत की नजीर, चौकी के रसोइये की बेटी की शादी में मेहमानों को खुद परोसा खाना। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेश नेशनल पार्क की बाघिन ने बनाया रिकॉर्ड, 9 साल में 26 शावकों को दिया जन्म। बिहार के छपरा में रामनवमी के मौके पर सैन आर्टिस्ट ने बनाई भगवान राम की मुखाकृति, देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। हिमाचल में तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी, 5 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लुधियाना में भी बारिश ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, रामबन में सैकड़ों वाहन फंसे। श्रीनगर में स्नोफॉल से गिरा तापमान, घरों की छतों पर जमी बर्फ की ठंडी चादर। हिमाचल प्रदेश के केलांग में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ से सफेद हुई सड़कें। उत्तराखंड के नैनीताल में बदले मौसम के तेवर, बारिश के बाद लुढ़का तापमान का पारा। पंजाब के चंडीगढ़ में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, गेहूं की फसल हुई बर्बाद। आईपीएल में आज पुणे और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला, रात 8 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन हैदराबाद का दबदबा, बैंगलोर को 35 रन से दी मात। हैदराबाद ने बैंगलोर के सामने जीत के लिए रखा था 208 का लक्ष्य, बैंगलोर की पूरी टीम 19.4 ओवर में 172 रन पर ढेर। हैदराबाद की जीत में हीरो रहे युवराज सिंह, 27 गेंद पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली। हैदराबाद की ओर से हेंड्रिक्स ने जड़ा अर्धशतक, शिखर धवन ने खेली 40 रन की पारी। मुंबई में महिला पुलिसकर्मियों के लिए रखी गई फिल्म नाम शबाना की स्पेशल स्क्रीनिंग, मनोज वाजपेयी भी रहे मौजूद। अपनी फिल्म बेगम जान के प्रमोशन में जुटी अभिनेत्री विद्या बालन बांद्रा के कॉफी शॉप में आई नजर। क्रिएटेड फिल्म की मैक्सिको में रीमेक, 2009 में राजकुमार हिरानी ने बनाई थी फिल्म। सनी लियोनी के इंटरनेट की दुनिया में धूम, सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली स्टार में दबदबा बरकरार। फिल्म से फिर से बॉन्ड के किरदार में दिख सकते हैं हॉलीवुड एक्टर डैनियल क्रेग, फ्रेंच प्रोड्यूसर ने डैनियल से की है बात। हम रुकेंगे एक छोटे से